हेलो एवरीवन, हम पढ़ने वाले हैं सीटेट की मैथ्स पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले जैसे कि आपको पता होगा कि सिलेबस में क्या क्या आता है। जैसे आपने आपका सिलेबस देखा होगा, पेपर जो है 30 मार्क्स का आता है मैथ का। ठीक है, उसमें से 15 15 का डिवीज़न होता है। ठीक है, 15 तो आपके ये न्यूमेरिकल्स वाले आते हैं और 15 कौन से आते हैं, पैडागोजी वाले। तो जो हम करने वाले हैं तैयारी, वो न्यूमेरिकल वाले की करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपके टॉपिक्स होते हैं जो सीटेट पेपर 1 के लिए। ठीक है, नंबर हो गए, ज्योमेट्री, शेप्स एंड अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी। ठीक है, ये आपके टॉपिक होते हैं। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल तो आते नहीं है, ईजी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हम इस वीडियो में करेंगे वो करेंगे नंबर्स यानी संख्याएं टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्याएं किसे बोलते हैं, है ना, यानी नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स, ये पता होने चाहिए। जैसे हम बात करें प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, किससे, 1 से, जैसे 1 2 3 4, ये आगे चलते रहेंगे। ठीक है, अनगिनत तक। ऐसे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स इसमें क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ऐसे आगे चलते रहेंगे। ठीक है, और इंटीजर्स क्या होते हैं यानी पूर्णांक, पूर्णांक ऐसे नंबर है जो क्या है, 0 के उधर भी चलते हैं यानी प्लस में भी चलेंगे और ये माइनस में भी चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटीजर्स बोलते हैं यानी पूर्णांक बोलते हैं इसको। और आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, ये आपको नोट कर लेने ये सारे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स यानी ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड होते हैं। जैसे 2 2 क्या है, सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड आएगा, 3 हो गया, 5 हो गए, 7 हो गए। ठीक है, और जैसे आगे और हम ले लें तो 11 हो गया, 13 हो गया, ये क्या किसी के टेबल में आएंगे नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो 1 होता है, ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये कई बार गलती कर देते हैं लोग, तो ये ध्यान रखना है। फिर आता है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स। अब ये क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, जहाँ पे क्यू 0 नहीं होता। जैसे हम बात कर लें 1/2, 3/5, 7/3, इस तरह से जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ये, इस तरह के क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में लिख दिया, तो दोनों में समझाऊंगा, तो ठीक है आप समझ सकते हैं। देखिए, विद्यालय की सभा में यानी स्कूल असेंबली जो होती है उसमें, एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं, और दोनों सिरों से रूही, रूही किसी गर्ल का नाम है ना, तो उसका क्या है, रूही का 19वां स्थान है यानी दोनों साइड से, अगर चाहे आगे से हम गिने चाहे पीछे से गिने। ठीक है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित है, ये आपको बताना है, ये जनवरी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए, तो इसको आप कैसे करेंगे, अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसको ये करने की ट्रिक होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं पंक्ति वाले, ऑर्डर वाले, तो इसको क्या करेंगे हम, ट्रिक से कर सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसकी ट्रिक होती है, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बस ये कुछ ही टाइम लगता है आपको। देखिए, टोटल तो आपको निकालना है यानी कितने छात्र हैं कुल, तो ये आपको निकालना है, तो इसको हम टी ले लेते हैं। राइट यानी इसने क्या बोला, दोनों सिरों से 1900 है ना, तो राइट से भी 19 है और लेफ्ट से भी 19 है, और -1 हमने पुट कर दिया, कितना आ जाएगा, 38 घटा 1, तो टोटल हमारे पास कितने छात्र हो गए, 37 यानी 37 छात्र हमारे पास जो है कक्षा में उपस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर जरूर कर लें, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आई एम ए 2-डिजिट नंबर, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, संख्या क्या है, हमें ये बताने, 4 ऑप्शन दिए। तो मैथ के क्वेश्चन में एक टिप देता हूँ मैं आपको, कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को पहले ज़रूर पढ़ें, कई बार बच्चे क्या है बिना आधा अधूरा पढ़ के सवाल करने लग जाते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है, तो एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, अब देखिए करते हैं, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी, इसको आपको जो है बनाना नहीं है, इसको आपके ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन बनाने नहीं होते आपको, क्योंकि टाइम लिमिटेड ही है।
तो वन बाय वन ऑप्शन से हम करेंगे। देखिए कह रहा है मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ, पहला पॉइंट यही था। आई एम ए टू डिजिट नंबर, तो ये ऑप्शन में जो है सारे दो डिजिट के हैं, तो यानी इससे कुछ नहीं घटा। अब देखिए क्या कह रहा है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। अभी मैंने आपको लिखवाया था अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और इसने बोला है क्रमिक। क्रमिक होता है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है यानी लगातार, जैसे एक के बाद दूसरे, जैसे एक के बाद दो आता है, चार के बाद पांच आता है, यानी लगातार क्रम से जो चलते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या है बोला इसने, इकाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, देखिए अभाज्य संख्या हम क्रम से होगी, पाँच और सात, पाँच भी अभाज्य संख्या, सात भी, और क्रम से है क्योंकि पाँच के बाद सीधा सात आएगा, तो ये ठीक है। दो और तीन दोनों अभाज्य हैं और ये भी क्रम से है। तीन और पाँच दोनों अभाज्य संख्या है और ये भी क्या है, क्रम से ही है ना, तीन के बाद क्योंकि पाँच आएगा। और एक और तीन, तीन तो अभाज्य है लेकिन मैंने आपको बताया था एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा हो गया, आउट हो गया ऑप्शन से, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पता है, कह रहा है अब यही स्टेटमेंट रहेगी, इससे निकल जाएगा आंसर। अंकों का योग तीन और चार का गुणज है, ठीक है। अंकों का योग क्या है, तीन और चार का गुणज, तो अंकों का योग हमें देखना है इसमें। पाँच प्लस सात कितना आ रहा है, बारह, दो प्लस में तीन आ रहा है पाँच, और तीन प्लस में पाँच आ रहा है आठ। क्या कह रहा है, तीन और चार का गुणज होगा, यानी तीन और चार दोनों का। देखिए बारह तीन के टेबल में आता है, आता है, और चार के टेबल में भी आता है, ठीक है। पाँच तीन और चार के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो ये हमारा कट चुका है, ऑप्शन बी चला गया। अब ये देखिए आठ, आठ चार के टेबल में तो आ जाएगा लेकिन जो है तीन के टेबल में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत। तो बी सी डी कट गए, तो ऑप्शन ए हमारा 57 जो है राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, आशा है समझ में आया होगा। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है, तो ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। सबसे जो इजी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले आपको दिख रहे हैं है ना, डेनोमिनेटर बोलते हैं इसको, हर हिंदी में बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश यानी न्यूमरेटर। तो ये जो हमारे क्या है, हर वाला जो है डेनोमिनेटर, इनका क्या हमें एलसीएम ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे इन सबका। एलसीएम आप सबको आता होगा, छः चार दो तीन और पाँच, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले दो से स्टार्ट करते हैं, आपको पता होगा दो से, तो दो तीन छः, दो दूनी चार, दो एकम दो, अब तीन आता नहीं है तो तीन का तीन, पाँच भी नहीं आता तो पाँच का पाँच। फिर हम काटेंगे दो से, तीन नहीं आता दो के टेबल में, तीन आ जाएगा, दो आता है, दो एकम दो, एक का एक आ गया, तीन पाँच। अब देखिए अब दो नहीं है तीन से करेंगे हम, तीन से, तो तीन एकम तीन, एक एक, तीन एकम तीन पाँच, अब पाँच से करा हमने, एक 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 एक, पाँच एकम पाँच, तो ये जो आ गया। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आएगा इनका मल्टीपल, यानी दो गुणा में दो गुणा में तीन गुणा में पाँच, तो ये आएगा दो दूनी चार, जाती है बारह, बारह पंजे साठ, तो हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, साठ। अब हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए अब जो हमारा 60 आया था, अब हम इसका करेंगे क्या, जैसे हमारे ये जो हमारे नंबर्स हैं 5/6, इनको इधर मैं लिख लेता हूँ, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5। अब जो 60 है, 60 को क्या है, सबसे गुणा कर दो, अब इसको कर देंगे हम सॉल्व, कितना आएगा, 6 से काटेंगे हम तो 10 पर कटेगा, और 10 को 5 से करेंगे तो 50, ऐसे इसको काटेंगे हम 4 को तो आएगा 15, 15 तिया 45, 2 से काटेंगे हम 2 तिया 6 0, 30 को 1 से करेंगे तो 30, 3 से काटेंगे 3 दुनी 6 0, और 20 दुनी 40, और 5 से काटेंगे हम इसको, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दुनी 10, और 12 तिया 36, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसने पूछा क्या था, सबसे बड़ी बतानी है और दूसरी सबसे बड़ी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है नंबर, यानी 50 दिख रहा है, तो 50 वाला क्या था, 5/6 था, तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी होगी, 5/6, और इसने क्या बोला था, दूसरी सबसे बड़ी। अब दूसरी सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको, 45, तो 45 का फ्रैक्शन क्या था, 3/4, ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी हमारी कितनी होगी, 3/4। तो
यही हमारा आंसर था, यही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।